नमस्कार, वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। कामटी में 4 साल की मासूम से किया दुष्कर्म, आरोपी मोबाइल पर देखता था पॉर्न वीडियो, आरोपी पुलिस गिरफ्त में। डोंगरगांव हत्या मामले में 1 साल बाद पकड़े गए हत्यारे, विवाद में 2 मित्रों की हत्या, 6 पहले ही हुए थे गिरफ्तार। और रमाई घरकुल के लिए महाविकास आघाड़ी ने नहीं दी निधि, राज्य सरकार पर आरोप, भाजपा ने दी आंदोलन की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। मोबाइल फोन पर पॉर्न वीडियो देखकर 14 वर्षीय किशोर ने 4 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर दिया। यह घटना न्यू कामटी थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर किशोर को हिरासत में ले लिया है। विधि संघर्ष किशोर 9वीं कक्षा का छात्र है। उसके पिता रेलवे में कार्यरत है। स्कूल बंद होने के कारण परिजनों ने ऑनलाइन क्लास के लिए उसे मोबाइल दिया था। परिजनों की अनुपस्थिति में वह फोन पर पॉर्न वीडियो देखता था। रविवार की दोपहर माता पिता घर पर नहीं थे। किशोर ने अपनी 6 वर्षीय बहन से उसकी सहेली को घर पर खेलने के लिए बुलाने को कहा। बहन पीड़ित बालिका को लेकर घर पर आई। उसने अपनी बहन को टीवी पर कार्टून देखने को कहा और बालिका को भीतर के रूम में ले गया। वहां मोबाइल पर पॉर्न वीडियो देखकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची रोने लगी तो किशोर घबरा गया। पीड़ित बच्ची रोते हुए अपने घर पहुंची। मां ने कारण पूछा तो किशोर द्वारा मारपीट किए जाने की जानकारी दी। बच्ची से पूछताछ में मां को घटना का पता चला। बच्ची के पिता को जानकारी देकर मां उसे पुलिस स्टेशन ले गई और किशोर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर किशोर को थाने बुलाया। पूछताछ में पॉर्न वीडियो देखने की जानकारी सामने आई है। पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है। अधिकतर केसों में अपराधी मासूम बच्चियों को अपना शिकार बनाते हैं। मनोविशेषज्ञ अयूब खान के मुताबिक छोटी बच्चियों को कभी घर में अकेला ना छोड़े, अकेले बाहर खेलने के लिए ना जाने दे, जहां तक संभव हो सके उसे अकेले किसी के घर ना भेजे। बीते दिनों नवरात्र के दौरान एक ग्रामीण इलाके में कन्या भोज के बहाने बुलाकर 5 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया था। बच्चों को मोबाइल देते समय सावधानी जरूरी है, क्योंकि 60% केस इसी के दुरुपयोग से हो रहे हैं। कुही पुलिस थाना अंतर्गत डोंगरगांव शिवार में पुराने विवाद के चलते 16 नवंबर 2020 को 6 आरोपियों ने मिलकर 2 मित्रों की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इसमें फरार अन्य 2 आरोपियों को पकड़ने में LCB की टीम को पूरे 1 साल बाद सफलता प्राप्त हुई। पकड़े गए दोनों आरोपियों का 19 अक्टूबर तक का PCR पुलिस ने प्राप्त किया है। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार मृतक कुणाल सुरेश चर्डे और सुशील सुनील बावने दोनों नागपुर के दिघोरी परिसर निवासी आपराधिक छवि के थे। इनका आरोपियों के साथ विवाद चल रहा था। हत्या के दिन यानी 16 नवंबर 2020 को मौजा डोंगर गांव में मौका पाकर आरोपियों ने मिलकर धारदार हथियार और सीमेंट के कंक्रीट पोल से वार कर हत्या कर दी थी। इसके बाद सभी आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए थे। घटना के बाद गांव में खलबली मच गई थी। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता लेते हुए हत्या के मुख्य सूत्रधार जागेश्वर उर्फ बालू सतीश दुधनकर नीलकमल नगर दिघोरी नागपुर, राहुल श्रावण लांबट बिड़गांव नागपुर, निशांत प्रशांत शहारकर खरबी रोड शक्तिमान नगर नागपुर तथा अन्य 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इस हत्याकांड में फरार आरोपी रोहित दत्तू पाटनकर नरसाला और अजिंक्य अशोक नागदव ने पार्डी नागपुर निवासी के बारे में LCB की टीम को उनके घर में होने की गुप्त जानकारी मिली। सूचना के आधार पर LCB की टीम ने रविवार को जाल बिछाकर इन दोनों को उनके घर से ही गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई करने के बाद मामला कुही पुलिस थाने का होने से दोनों आरोपियों को कुही पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस इन दोनों आरोपियों को रविवार को न्यायालय में पेश कर 19 अक्टूबर
नंबर तक का पीसीआर प्राप्त कर लिया। इस हत्याकांड में शामिल मास्टरमाइंड बालू दुधनकर, राहुल लांबट, निशांत शहारकर और इनके अन्य साथियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उनका पीसीआर भी लिया गया था, जिसके बाद इन सभी को नागपुर के मध्यवर्ती कारागृह में भेज दिया। इस कांड में दो आरोपी फरार थे, जिन्हें एलसीबी की टीम ने रविवार को धर दबोचा। शहरी पिछड़ा वर्ग के लिए अमल में लाई जाने वाली रमाई घरकुल योजना के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार ने वर्ष 2017 से एक भी रुपया नहीं दिया। भाजपा नगर सेवक व अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश सचिव धर्मपाल मेश्राम ने प्रेस परिषद में यह खुलासा किया। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 2014 में 14,90,00,000 और जून 2017 में 25 करोड़ रुपए इस योजना के लिए दिए थे, लेकिन उसके बाद से अब तक महाविकास आघाड़ी सरकार ने एक रुपया भी नहीं दिया है। रमाई घरकुल योजना के तहत दो चरणों में लाभार्थियों को 1-1 लाख रुपए दिए जाते हैं और अंतिम किस्त 50,000 रुपए दी जाती है। इस तरह 2.5 लाख रुपए एक लाभार्थी को दिया जाता है। सीटी में 990 लाभार्थियों का प्रस्ताव है और 2,074 लाभार्थियों को अब तक एक भी किस्त इस सरकार ने नहीं दी। मेश्राम ने बताया कि पालक मंत्री नितिन राउत ने जुलाई 2021 में राज्य सरकार के पास इस योजना के लाभार्थियों के लिए 40 करोड़ रुपए का मांग पत्र भेजा, लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं हुई। इस सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए भाजपा शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके और पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में 27 अक्टूबर को संविधान चौक से कलेक्ट्रेट तक मोर्चा निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि मनपा के पास इस योजना के लिए आई निधि खर्च हो गई है। उस निधि का ब्याज 7,50,00,000 रुपए जमा है, लेकिन यह निधि महानगर पालिका अन्य जगह खर्च नहीं कर सकती। माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहेब या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर लगोलग सन 2014 मध्ये 14.906 करोड़ रुपये आणि 7 जून 2017ला 25 करोड़ रुपये असे जवळपास 39 करोड़ रुपये रमाई घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या वाटपासाठी दिले होते। ते सर्व पैसे खर्च झालेले आहेत, परंतु आत्ता नागपूर शहरातल्या रमाई घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना 40 करोड़ रुपयाची गरज आहे। आणि मागच्या अनेक वर्षांपासून महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री म्हणून स्थानापन्न झाल्यानंतर आणि या शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितीनजी राऊत झाल्यानंतर स्थानापन्न झाल्यानंतर आम्ही 40 करोड़ रुपयाची मागणी महानगरपालिकेच्या वतीनं केली, परंतु दुर्दैवाने फक्त 1.5 करोड़ रुपये मिळाले, त्याच्या उपर एकही रुपया नागपूर महानगरपालिकेला या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मिळालेला नाही। आणि त्यामुळं मी ज्या समाजाचं प्रतिनिधित्व करतो किंवा आम्ही सगळे लोक ज्यांचं प्रतिनिधित्व करतो तो सारा समाज, तो लाभार्थी ऊन पावसामध्ये तसाच्या तसाच पडलेला आहे। कधी कोणी भाड्याच्या घरात आहेत तर कोणी कुठे पडक्या घरात आहेत। अशा स्थितीमध्ये ही योजना पूर्णत्वास नेणे गरजेचं आहे आणि या सरकारच्या कानावर जू देखील रेगत नाही। त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं प्रदेश भारतीय जनता पक्षाचे महामंत्री माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे साहेब आणि आमच्या शहराचे अध्यक्ष प्रवीणजी दटके यांच्या नेतृत्वामध्ये 27 तारखेला संविधान चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावरती एका मोठ्या मोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे। आपल्या माध्यमातून मी या सगळ्या लाभार्थ्यांना आणि शहरातल्या अनुसूचित जातीवर्गाच्या रहिवाशांना विनंती करतो की या मोर्चामध्ये मोठ्या संख्येत सामील व्हावं। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल में प्राइवेट पैथोलॉजी के दलालों की सक्रियता बढ़ गई है। दलालों सहित अन्य बाहरी लोगों पर नजर रखने के लिए महाराष्ट्र सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं, लेकिन कुछ जवान वार्डों के सामने तैनात रहते हैं, 24 घंटे गश्त भी नहीं होती। इस संबंध में पिछले दिनों एक सुरक्षा रक्षक द्वारा वार्ड क्रमांक 30 के सामने मरीज के परिजन के साथ अभद्र व्यवहार करने के संबंध में अधिष्ठाता से शिकायत की गई थी। इस शिकायत के बाद मेडिकल प्रशासन हरकत में आया। पिछले 8 दिनों के भीतर प्राइवेट पैथोलॉजी के करीब 10 दलालों को पकड़ा गया। सोमवार को भी 2 दलालों को पकड़ा गया। मेडिकल में मेडिसिन कैजुअल्टी में सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे निजी लैब के 2 दलाल पहुंचे। यह कैजुअल्टी में मरीज के ब्लड सैंपल लेने जा रहे थे कि तभी जवानों ने इन्हें देखा और पकड़ने लगे। दलालों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जवानों ने उन्हें दबोच लिया।
इनके साथ पिछले 8 दिनों में मेडिकल में अलग अलग जगह से 10 दलालों को पकड़ा गया। पिछले कुछ दिनों से अधिष्ठाता डॉक्टर सुधीर गुप्ता और वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर अविनाश गावंडे ने दलालों को पकड़ने के लिए लगातार निगरानी के निर्देश दिए थे, लेकिन कुछ सुरक्षा रक्षक दलालों पर नजर रखने की बजाय मरीजों को उनके परिजनों को फटकार लगाने में व्यस्त रहते थे। इस संबंध में की गई शिकायत के बाद महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक दल के जवान सक्रिय हुए हैं। वाड़ी थाना अंतर्गत दुर्गधामना परिसर में सोमवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई। 12 वर्षीय बालक की संदेहास्पद मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पहले तो यह मामला बच्चों के आपसी लड़ाई का लग रहा था, लेकिन जांच में जो सच बाहर आया उससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। बहन के बॉयफ्रेंड ने ही बालक का गला घोटकर हत्या कर दी थी। देर रात मामले की गुत्थी सुलझ गई और पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी विवेकानंद नगर दुर्गधाम निवासी स्नेहल सोनपिपले बताया गया। पुलिस ने बताया कि मृतक बालक और आरोपी एक ही इलाके में रहते हैं। मृतक की बड़ी बहन के साथ स्नेहल के प्रेम संबंध है। दोपहर के समय युवती ने भाई को कुछ खाद्य सामग्री लाने के लिए बाहर भेजा था। इसी दौरान आरोपी स्नेहल उसके घर पर आया। कुछ देर बाद मृतक बालक घर लौटा तो बहन को आपत्तिजनक हालत में देखा। इससे पहले कि वह कुछ बोलता या समझता, स्नेहल और युवती ने बालक को समझाना शुरू कर दिया। किसी को कुछ न बताने की विनती करने लगे, लेकिन बालक ने माता पिता से शिकायत करने की चेतावनी दी। वह कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसे उत्तेजित होते देख स्नेहल ने मारपीट शुरू कर दी। बहन की चुन्नी लेकर उसकी आंखों के सामने भाई का गला घोट दिया। गर्लफ्रेंड को मुंह न खोलने की चेतावनी दी और वहां से चला गया। इसके बाद युवती ने झूठी कहानी गढ़ी। उसने पड़ोसियों को मदद के बहाने बुलाया और कहा कि उसका भाई कुछ सामान लेने घर से बाहर गया था। हाफता हुआ वापस लौटा और कहा कि मुझे बचा लो, कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की है। पानी के 2 घूंट पीने के बाद वह बेहोश होकर गिर पड़ा। माता पिता भी घटना की जानकारी मिलते ही घर पहुंचे। तुरंत उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही वाड़ी की थानेदार ललिता तोड़ा से अपने दल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पेट्रोल एवं डीजल की दर लगातार बढ़ रही है। कोरोना महामारी के बीच महंगाई की मार ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। पेट्रोलियम पदार्थ की कीमत बढ़ने के साथ ही अन्य सामग्रियों की कीमत भी तेजी से बढ़ रही है। शहर में पेट्रोल की कीमत 111.49 रुपए तो डीजल 100.70 रुपए तक पहुँच गया है। इससे व्यवसायी से लेकर विभिन्न वर्ग के लोगों की जीविका बुरी तरह से प्रभावित हुई है। पेट्रोलियम दर वृद्धि को लेकर लोगों से असंतोष का माहौल अब बढ़ने लगा है। कोविड महामारी के कारण उपभोक्ता अनेकों समस्या से गुजरना पड़ा है। ऐसे समय में पेट्रोलियम पदार्थ की दरों में हो रही बढ़ोतरी उपभोक्ताओं की जेब को खाली कर रही है। इसके कारण सभी अत्यावश्यक सामग्रियों के दाम भी सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं। प्राइवेट नौकरी करने वाले सुधीर ने कहा कि घर से गाड़ी लेकर निकलने में डर लगता है। घर से मेरा ऑफिस 7 से 8 किलोमीटर है, इतनी दूरी पैदल चलकर तो नहीं जा सकते। ऑटो की बात न करें तो बेहतर है। पहले जिस जगह के लिए 10 रुपए लगते थे, अब उस जगह के लिए 20 रुपए लग रहे हैं। ऐसे में अपना वाहन ही एकमात्र भरोसा है। ऐसे में अब तेल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए कुछ समझ में नहीं आ रहा।
अक्टूबर महीने में 3 दिन को छोड़कर हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। शहर में पिछले 10 दिनों के दौरान 7 बार ईंधन के दाम बढ़ाए गए। 9 अक्टूबर को शहर में पेट्रोल की कीमत 109.57 रुपए और डीजल की कीमत 98.53 रुपए प्रति लीटर थी। 10 दिनों के भीतर पेट्रोल 1.98 रुपए जबकि डीजल 2.17 रुपए महंगा हो गया। कच्चा तेल का भाव $90 प्रति बैरल तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में पेट्रोल डीजल में इजाफा होना तय है। 5वीं के सभी विद्यार्थियों को नवोदय विद्यालय की परीक्षा में शामिल करने का निर्णय जिला शिक्षा विभाग ने लिया है। आजादी के अमृत महोत्सव उपक्रम के अंतर्गत जिले के कक्षा 5वीं के 7 विद्यार्थियों को नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में शामिल करने के संदर्भ में एक पत्र जारी हुआ है, लेकिन कुछ शिक्षक संगठनों द्वारा इसका विरोध भी किया जाने लगा है। नागपुर जिले के पारशिवनी तहसील में नवेगांव में नवोदय विद्यालय है। यहाँ पर 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। उक्त विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के 75 तथा शहरी क्षेत्र के 25% विद्यार्थियों को परीक्षा पास करने पर गुणवत्ता सूची के अनुसार प्रवेश दिया जाता है। इस वर्ष लगभग 7,500 विद्यार्थियों ने नाम दर्ज कराया था। देश प्रत्येक जिले में ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थियों के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है। कोरोना महामारी के कारण पिछले 18 माह से शालाएं बंद हैं। ग्रामीण क्षेत्र की कक्षा 5वीं से 12वीं की कक्षाएं 4 अक्टूबर से शुरू हुई है। शहरों में 5वीं से 7वीं की शालाएं अभी शुरू नहीं हुई है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर विद्यार्थियों को खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसी स्थिति में पालक नवोदय परीक्षा में विद्यार्थियों को भेजने के लिए तैयार होंगे क्या, ऐसा सवाल उपस्थित हुआ है। इसके अलावा पिछले 1.5 वर्षों से शालाएं बंद होने से विद्यार्थियों से परीक्षा की तैयारी करवाना शिक्षकों के लिए सिरदर्द साबित होने वाली है। नवोदय परीक्षा में जिले के 5वीं के सभी विद्यार्थियों को प्रविष्ट करने का भले ही विरोध हो रहा हो, मगर सभी विद्यार्थियों के आवेदन भरने के लिए लगाई गई सख्ती वापस लेने की मांग शिक्षा अधिकारी माध्यमिक व प्राथमिक से महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक महासंघ की ओर से निवेदन देकर की गई है। कोरोना की दूसरी लहर में मची त्राही त्राही के बाद अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन कराने का भले ही लक्ष्य निर्धारित किया गया हो, लेकिन सभी को पूरी तरह सुरक्षा कवच देना फिलहाल संभव दिखाई नहीं दे रहा है। वैक्सीनेशन का लक्ष्य कोसों दूर होने का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लगभग 10 माह पहले शुरू हुए अभियान में अब तक केवल 8 लाख लोगों को ही दूसरा डोज उपलब्ध कराया गया है, जबकि 15,22,854 लोगों को वैक्सीनेशन का पहला डोज दिया जा चुका है। महानगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चीलकर ने कहा कि राज्य सरकार से कोविशील्ड वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रही है, जिससे 18 प्लस और 45 प्लस अंतर्गत तथा उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को मनपा के सभी केंद्रों पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक कोविशील्ड का टीका लगाया जाएगा। सभी लोगों को महानगर पालिका की ओर से कोविशील्ड निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। पहले और दूसरे डोज के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध हुई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पद्धति से पंजीयन कर वैक्सीन ली जा सकती है। मनपा की ओर से शहर के 2 मॉल में ड्राइव इन वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जहां सभी वर्ग को वैक्सीन दी जा रही है। इसके अलावा कोवैक्सीन का टीका भी दिया जा रहा है। मेडिकल अस्पताल कामठी रोड स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अस्पताल, महल रोग निदान केंद्र, एम्स, आइसोलेशन अस्पताल, इंदिरा गांधी अस्पताल, 5 पावली सूतिका गृह और दिघोरी स्थित प्रगति हॉल में इसकी व्यवस्था की गई है। राज्य में जिला परिषद और उसके अंतर्गत आने वाली पंचायत समितियों की ओबीसी सीटों पर 5 अक्टूबर को हुए चुनाव के बाद अब पदाधिकारियों और सभापतियों के चुनाव 28 और 29 अक्टूबर को होंगे। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिला अधिकारी कार्यालय से चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। नागपुर जिला परिषद उपाध्यक्ष का चुनाव 29 अक्टूबर को विशेष सभा में होगा। वहीं 28 अक्टूबर को संबंधित पंचायत समितियों में सभापति व उपसभापति के चुनाव आयोजित किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि जिले के 16 जिला परिषद सर्कल और 31 पंचायत समितियों की सीटों में उपचुनाव हुए थे, जिसके परिणाम 6 अक्टूबर को ही घोषित हो गए थे। ओबीसी सीटों की मान्यता रद्द होने से जिला परिषद में जहां उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो गया था, वहीं नरखेड़, कलमेश्वर, रामटेक, मौदा, कामठी, हिंगना व उमरेड पंचायत समिति में सभापति व उपसभापति पद रिक्त हो गई।
4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण से अधिक होने के चलते ओबीसी सीटों की मान्यता रद्द करने का आदेश जारी किया था। उसके बाद ही उपचुनाव करवाए गए थे। मार्च महीने से अक्टूबर महीने तक कुल 8 महीने जिला परिषद बिना उपाध्यक्ष पद के रही है। जिला परिषद अध्यक्ष ही इस पद की जिम्मेदारी संभाल रही थी। अब 29 अक्टूबर को जिला परिषद की विशेष सभा में उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। वही संबंधित पंचायत समितियों में 28 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे विशेष सभा आयोजित कर सभापति व उपसभापति के चुनाव होंगे। पूर्व उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे की सदस्यता रद्द होने के चलते ही पद रिक्त हुआ था। उनकी सीट महिला आरक्षित होने से उनकी पत्नी सुमित्रा कुंभारे को कांग्रेस ने टिकट दी थी। वे उपचुनाव जीत गई है, उन्हें ही उपाध्यक्ष बनाने की चर्चा है। सोयाबीन की कीमतों में दिनों दिन गिरावट आ रही है। सोयाबीन की कटाई में लगा खर्च भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। खरीफ के सीजन में सोयाबीन एक महत्वपूर्ण फसल है, परंतु इस वर्ष भी अतिवृष्टि के चलते काटोल और कोंढाली क्षेत्र में सोयाबीन की कीमत अब व्यापारियों पर ही निर्भर है। सोयाबीन की फसल को शुरुआत में जो अच्छे दामों पर बिकी, उसी सोयाबीन के दाम अब औंधे मुँह गिर गए हैं। सोयाबीन उत्पादक किसानों को उम्मीद थी कि बारिश से फसलों को नुकसान होने पर भी अंत में बची सोयाबीन को कुछ अच्छा दाम मिलेगा, परंतु सब कुछ उल्टा होने से सोयाबीन उत्पादक चिंता में है। किसान अब जो कुछ थोड़ी अच्छी सोयाबीन बची है, उसे ऐसे प्रतिकूल माहौल में उसके भंडारण पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन कृषि जानकारों की माने तो भंडारण और भी खतरनाक हो सकता है। इसीलिए कृषिविदों की सलाह माने तो सभी सोयाबीन उत्पादकों के लिए तारण योजना कुछ हद तक किसानों को फायदेमंद साबित होने की जानकारी कृषि विशेषज्ञ तथा काटोल कृषि उपज मंडी के पूर्व सभापति दिनेश ठाकरे द्वारा दी गई है। खाद्य तेल पर आयात शुल्क कम किया गया है, फिर भी फिलहाल तो भी खाद्य तेलों के दाम कम नहीं हुए। उधर केंद्र सरकार ने तिलहन के स्टॉक की सीमा तय कर दी है, फलस्वरूप सोयाबीन की कीमतों में गिरावट जारी है। सीजन की शुरुआत में सोयाबीन का भाव जो 8 से 10 हजार रुपए प्रति क्विंटल था, वह अब घटकर मात्र 4 से 5 हजार तक ही है। काटोल कृषि उपज मंडी में फिलहाल प्रतिदिन 50 से 60 क्विंटल ही सोयाबीन की आवक हो रही है। सोयाबीन के भाव में लगातार गिरावट आ रही है और यह किसानों के लिए चिंता का विषय है। राज्य भर में 18 महीनों बाद स्कूल और जूनियर कॉलेज शुरू हो गए हैं। ग्रामीण भागों में करीब 100% क्षमता के साथ क्लासेस भी ली जा रही है। वहीं सिटी और आसपास के हिस्सों में बस वैन की अनुमति नहीं होने से छात्रों की उपस्थिति कम है। कोरोना को लेकर अब स्थिति सामान्य होती जा रही है। यही वजह है कि बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से लेने पर विचार कर रहा है। दिवाली के बाद इस संबंध में तैयारियां शुरू किए जाने की जानकारी सूत्रों ने दी है। पिछले वर्ष कोरोना की वजह से 10वीं व 12वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं ली गई थी। छात्रों का परिणाम अंतर्गत मूल्यमापन के आधार पर तैयार किया गया, लेकिन इस बार कोरोना को लेकर भविष्य में स्थिति के बिगड़ने की संभावना कम ही व्यक्त की जा रही है। अगले 1 से 2 महीनों में स्थिति और साफ हो जाएगी। यही वजह है कि बोर्ड की परीक्षाएं ऑफलाइन पद्धति से लेने के बारे में विचार होने लगा है। प्रायः बोर्ड की परीक्षा फरवरी मार्च में ली जाती है, लेकिन गत वर्ष की तरह परीक्षाएं देरी से हो सकती है। गत वर्ष की तरह ही इस बार भी शिक्षा विभाग ने सिलेबस में 25% की कटौती की है। सूत्रों की माने तो जनवरी के बाद यदि कोरोना का प्रभाव मौजूदा वक्त की तरह ही रहा, तो फिर बोर्ड जहां स्कूल वहां केंद्र वाला पैटर्न पर भी विचार कर सकता है, ताकि छात्रों की एक जगह होने वाली भीड़ से बचा जा सके। बताया जा रहा है कि बोर्ड के पास परीक्षा का पूरा पैटर्न मौजूद है। साथ ही टास्क फोर्स के निष्कर्ष से यह भी सिद्ध हो गया है कि स्कूल खोलने के बाद कोरोना का संक्रमण नहीं फैला है। इस हालत में बोर्ड केंद्र वितरण की पूर्ववत नीति पर भी विचार कर सकता है, यानी दोनों विकल्प बोर्ड के पास है। तो वीकेबी न्यूज में सुबह के प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।